नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक बड़ा रिजल्ट जारी किया है और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसने इस परीक्षा में टॉप किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो छात्र पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस मोबाइल एप्लीकेशन पे पीईटी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। डेली 10 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके साथ साथ पेड कोर्स भी यहाँ पर है। तो दोस्तों जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें। दोस्तों ये आज की नोटिस है, 1 जुलाई की डेट देख लीजिए इसमें, और इसमें जो लिखा हुआ है कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर फायरमैन पुरुष एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की भर्ती का चयन परिणाम ये जारी कर दिया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 5,805 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया है। लिखित परीक्षा अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर चयनित किया गया है। इस परिणाम की घोषणा के बाद योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में हुई कुल भर्तियों की संख्या बढ़कर अब 1,43,581 हो गई है। चयन परिणाम जो है बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी परिणाम वेबसाइट पर अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आर के विश्वकर्मा ने बताया कि घोषित परीक्षा परिणाम में जेल वार्डर के कुल 3,638 पदों में से 3,012 पद पुरुषों व 626 पद महिलाओं के हैं। फायरमैन के सभी 2,065 पद और घुड़सवार सिपाही घुड़सवार पुलिस के सभी 102 पद पुरुषों के थे। चयन प्रक्रिया के तहत कुल 6,83,190 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा 19 और 20 दिसंबर 2020 को कराई गई थी। भर्ती बोर्ड के अनुसार परीक्षा में जेल वार्डर के पद पर गाजीपुर के संदीप यादव पुत्र राम प्रकाश सिंह यादव, फायरमैन के पद पर महाराजगंज के अमरीश सिंह पुत्र ध्रुव नारायण सिंह और जेल वार्डर के पद पर देवरिया के मुकेश यादव पुत्र वीरा यादव ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसी तरह महिला वर्ग में जेल वार्डर के पद पर चुनी गई मथुरा की कुमारी शिवा चौधरी पुत्री कोमल प्रसाद, आनंद नगर की कुमारी बबीता यादव पुत्री राधेश्याम तथा संत कबीर नगर की कुमारी रीता चौहान पुत्री राम सूरज चौहान ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो इन सभी छात्रों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इन्होंने अपनी अपने अपने ग्रुप में टॉप किया है सभी छात्राओं और सभी छात्रों को। और इसके साथ साथ जिन छात्रों का इसमें चयन हुआ है उन सभी छात्रों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। धन्यवाद, बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ।